नमस्कार दोस्तों, सरदार नुस्खे के स्पेशल एपिसोड में आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ 7 दिन के अंदर कैसे बवासीर को बाय बाय टाटा कह सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत असरदार नुस्खा है। दोस्तों, इस नुस्खे को मैं इसलिए रामबाण कह रहा हूँ क्योंकि इस नुस्खे का यूज 100 लोगों ने किया है और 100 में से 90 लोगों का बीमारी जो है वो ठीक हो गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि बवासीर को कैसे 7 दिन के अंदर आप उसे कंट्रोल कर सकते ही नहीं बल्कि उसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको भी बवासीर की प्रॉब्लम हुई होगी तो आप अगर इस तरह के टिप्स का सेवन करते हैं तो आपका जो बीमारी है ये परमानेंटली गायब हो सकता है। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं रीठा की। तो दोस्तों, रीठे के फल के में से बीज निकालकर शेष भाग को लोहे की कढ़ाई में डालकर आंच पर तब तक चढ़ाए रखें जब तक वह कोयला न बन जाए और वह जलकर कोयले की तरह हो जाए। तब उसे आंच से उतार कर उसको आपको जो है सूती कपड़े से छानना है और साथ ही वह जो औषधि बन के निकलेगा उसका आपको सेवन करना है। तो दोस्तों, अब ये उसके बनाने की तरीका हुआ कि हम आखिर इसको कैसे बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसको सेवन कैसे करें, उसको खाएं कैसे। दोस्तों, इस तैयार औषधि में से 125 मिलीग्राम लेकर मक्खन या मलाई के साथ सुबह शाम लेते रहें। इस प्रकार आपको यह दवाई जो है 7 दिन तक खाना है। इस औषधि के मात्र 7 दिन लेने से ही आपके जो कब्ज है, खुजली है, बवासीर से खून निकलना आदि की जो समस्या है उसके मरीज जो है वो राहत महसूस करेगा। और साथ ही साथ अगर मरीज जो है इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहता है तो हमेशा ये 7 दिन का कोर्स हर 6 महीने पर शुरू कर लेता रहे। तो अगर वो ऐसा करता है तो उसको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। दोस्तों, अब बात यहीं तक खत्म नहीं होती है। अब बात यहाँ पे आती है कि किसी भी आयुर्वेदिक दवाई को लेने से पहले किन चीज़ों को खाना है, किन चीज़ों को नहीं खाना है। तो आपको खाना है मूंग या चने की दाल ले सकते हैं, कुत्थी की दाल ले सकते हैं, पुराने चावलों की भात ले सकते हैं, साठी चावल ले सकते हैं, बथुआ ले सकते हैं, परवल, तरोई, करेला, कच्चा पपीता, दूध, घी, मक्खन, काला नमक, सरसों का तेल, पका बेल, सूंठ आदि जो है आप इसका सेवन कर सकते हैं। और रोगी को जो है इस ड्यूरेशन में सिर्फ इसी का ही सेवन करना है। जो नहीं खाने वाली चीज़ें हैं उसमें उड़द, घी, सेम, भरी और भुने पदार्थ, घिया, धूप या ताप, अपान वायु को रोकना, साइकिल की सवारी, सहवास, कड़े आसन पर बैठना इत्यादि जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हानिकारक हैं और इसमें आपको इस बात का परहेज रखना है। दोस्तों, ये टिप्स जो है एक बहुत कारगर टिप्स है और इसको इस्तेमाल जो किया गया है बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है और उसमें से 90% लोगों को सफलता हासिल हुई है, इससे जो है मुक्ति पाए हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पे क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो वीडियोज़ हमारे द्वारा अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।